अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप *78# मिलाकर JazzCash अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा, JazzCash अकाउंट बनाने का तरीका कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपने JazzCash अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि दोस्तों, आप यूट्यूब पर जाकर जब भी सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट JazzCash अकाउंट, तो आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोज़ आ जाएंगी। लेकिन क्या है कि वहाँ पर कोई भी बंदा आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता, सही तरीके से मुकम्मल अकाउंट बनाकर नहीं दिखाता। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा और साथ में अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा JazzCash का यहां पे, कि JazzCash का अकाउंट कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि यहां पर आप आकर जब भी *78# मिलाकर यहां पर इसके ऊपर एंटर करते हैं, तो यहां पर आपके सामने एक मसला आता है जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस मसले का हल क्या है। अब दोस्तों, यहां पर यह मसला जो आया हुआ है, आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर, आपका अकाउंट जो है ना इन प्रोग्रेस है। आप यहां पर जो है ना अपनी शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट और उसके बाद वो डालकर यहां पर लिखेंगे, तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या होता है कि शनाख्ती कार्ड की जो डेट होती है वो बहुत सारे लोग यहां पे गलत आकर लिखते हैं। अब होता क्या है कि दोस्तों, शनाख्ती कार्ड की जो इशुएंस डेट होती है ना, मतलब जिस डेट को इशू किया गया था, यहां पर आपने वो लिखनी होती है। लेकिन होता क्या है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम कैसे लिखें। तो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, यहां से इसको हम कैंसिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे शनाख्ती कार्ड की जो इशू की डेट है वो है 12 जून, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपने 12 लिखना है। अब जब जून है तो यहां पर आप लिखेंगे 06, ठीक है। अब उसके बाद आगे साल कौन सा था, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा था 2010। अब अगर मेरे शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट है 12 जून 2010, तो आपने दोस्तों लिखना है 12, उसके बाद जून कौन सा महीना बन रहा है, छठा। लेकिन छठे महीने के लिए आपने क्या करना है, 06 लिखना है। अब आगे जो साल आपको शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नजर आ रहा है, 2012 है, 2010, जो भी है। तो इस तरह से दोस्तों, आपने पूरा कंप्लीट लिख लेना है। अब मेरे पास तो टच मोबाइल है, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं, ये जो फिगर था मैंने कॉपी कर लिया, 12 जून हो गया, उसके बाद 2010 हो गया, ठीक है। ये हो गई मेरे शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट। तो अब दोबारा आप क्या करेंगे कि JazzCash अकाउंट बनाने के लिए यहां पर आप जाकर *78# मिलाएंगे, उसके बाद यहां पर इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपने शनाख्ती कार्ड की डेट कॉपी कर ली, या अगर छोटा मोबाइल है तो वहां पर आपने लिख लेनी है कहीं पर कागज पर इशुएंस डेट, तो यहां पर जाकर अब आप यहां पे पेस्ट कर देंगे। ये आपने यहां पर पेस्ट कर दी। अब दोस्तों, जब आपने अपने शनाख्ती कार्ड की डेट यहां पर जो इश्यूएंस, मतलब जिस डेट को जारी किया गया, वहां पे लिखा होगा जारी डेट, ठीक है। अगर उर्दू में आपका है, अगर इंग्लिश में है, तो फिर तो इश्यूएंस डेट लिखा होगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद दोस्तों, यहां पर ये जो आपको सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने ये लगा लेना है। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपके नाम पर कितनी सिमें हैं और क्या किसी और सिम के ऊपर बना तो नहीं हुआ। हो सकता है आपकी सिम किसी भाई के पास हो जिसके ऊपर आपका ऑलरेडी JazzCash का अकाउंट बना हुआ हो, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि एक सिम पर, एक NIC पर जो सिमें हैं 5, उनमें से किसी एक सिम पर अकाउंट बन सकता है। तो दोस्तों, जैसे इसके ऊपर आप इस तरह से डेट लिखकर यहां पर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो विद इन 20 सेकंड आपके पास एक और मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा, आप जब दोबारा आकर यहां पर डायल करेंगे यही *78#, तो आपसे वो पूछेंगे कि भाई आप अपना यहां पर पासवर्ड लगाएं, और वही *78# मिलाने के बाद आपने अपना पासवर्ड पिन सिलेक्ट करनी, उसके बाद आपका JazzCash का अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।